आपने किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां रहने वाले सारे लोग अचानक गायब हो गए हो? कनाडा का एक गांव 89 साल से रहस्य बना हुआ है। साल 1930 में एक सुबह कनाडा में हर तरफ तहलका मच गया। न्यूज में बताया गया था कि नॉर्थ कनाडा में एक गांव रातों रात गायब हो गया। आखिर क्या थी उस गांव की गायब होने की कहानी? आज हम जिस गांव की बात करने जा रहे हैं वो नॉर्थ कनाडा में अंजिकुनी हिल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एस्किमो नाम की जाति के लोग रहते थे जिनकी आबादी लगभग 100 से 150 के आसपास की थी और वो लोग लेक से मछलियां पकड़कर अपना जीवन बिताते थे। अंजिकुनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के इलाके में दूसरे जानवरों का भी शिकार होता है और इसके लिए कई शिकारी यहां आते रहते हैं। नवंबर 1930 में जॉन लिबेल नाम का शिकारी भटकते हुए इस गांव में पहुंचा। इस गांव के लोग बाहर से आए लोगों की खातिरदारी बहुत अच्छे से करते थे, यह बात जॉन लिबेल को पता थी, इसीलिए वो इस गांव में आया। उस समय ठंडी का मौसम था, बाहर बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रही थी, इसीलिए जॉन लिबेल गर्म जगह की तलाश में था। रात के अंधेरे में वो इस गांव में आया। गांव में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मदद के लिए लोगों को आवाज लगाई लेकिन उसे अपनी आवाज के अलावा किसी और की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसे लगा कि गांव वाले शायद सो रहे हैं या कहीं बाहर गए हैं। उसने दूर से बस्ती के सारे घरों में से धुआं निकलते देखा लेकिन पास पहुंचते ही उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दी। जॉन लिबेल गांव में थोड़े आगे चलता गया पर ना उसे इंसान दिखाई दिया ना ही जानवर, पर उसने घरों के ऊपर से धुएं उठते देखे थे तो उसे लगा कि शायद घर में कोई होगा। वो देखने के लिए एक घर में गया पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। घर का सारा सामान बिल्कुल वैसे का वैसा ही पड़ा था। किचन में आधा पका हुआ खाना पड़ा था और चूल्हा भी जल रहा था। वहां के सारे घरों का हाल लगभग एक जैसा था। बस्ती के घरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो बस्ती के लोग अचानक ही यहां से गए हो। वो थोड़े आगे गया, उसने देखा कि जो बस्ती के लोगों ने कुत्ते पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी है लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे, हालांकि उनका खाना उनके सामने था। यह सब देखकर जॉन लिबेल को अब डर लगने लगा था। जॉन लिबेल यह सब देखकर करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के कैंप में खबर की और सब बताया। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें लगा कि शायद बस्ती के लोगों पर हमला किया और सबको मार दिया होगा, पर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं खून के निशान होते। पुलिस की खोज शुरू हुई पर उस गांव की एक आश्चर्यजनक बात यह थी कि बर्फ पर किसी के भी पैरों के निशान मौजूद नहीं थे सिवाय जॉन लिबेल के। गांव के आसपास के लेक का पानी भी जमा हुआ था और उनकी सारी नाव जमीन पर पड़ी हुई थी, इसीलिए यह भी नहीं कह सकते थे कि गांव के लोग नाव से लेक पार करके कहीं चले गए हो। पुलिस को खोज के दौरान यह भी पता लगा कि बस्ती के सारे लोग जॉन लिबेल के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो गए थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखे रहने से नहीं होती है। कई महीनों की खोज के बाद भी पुलिस को इस गांव के लोगों का कोई पता नहीं चला और आखिर में इस केस को अनसॉल्व केस कहकर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर अंजिकुनी गांव के लुप्त होने की कई थ्योरी बताई जाती है, जैसे कि यूएफओ के साथ मुठभेड़, एलियन द्वारा किया गया अपहरण, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या गंभीर मौसम की घटना ने लोगों को जगह छोड़ने पर मजबूर किया हो। लेकिन सच तो यह है कि इस घटना को 100 साल होने को है पर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है और अंजिकुनी गांव के लोगों का अचानक से गायब हो जाना वो भी आज तक रहस्यमय है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।